और अब आपको दिखाते हैं तमाम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। अरुणाचल में जनरल मनोज पांडे ने किया एलएसी का दौरा, जवानों से की मुलाकात, सुरक्षा का लिया जायजा, सैनिकों का हौसला बढ़ाया। आज गणतंत्र दिवस परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल, सुबह 10:30 बजे दिल्ली के कर्तव्य पथ पर शुरू होगी परेड, अयोध्या झांकी का होगा मुख्य आकर्षण। परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखे जाएंगे 21 द्वीपों के नाम, पीएम मोदी आज करेंगे ऐलान, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में होंगे शामिल। बागेश्वर धाम बाबा के खिलाफ विरोध और समर्थन की जंग तेज, स्वामी प्रसाद मौर्य ने की कानूनी कार्रवाई की मांग, गिरिराज सिंह बोले सनातन पर हमला फैशन बन गया है। जम्मू के राजौरी से आईडी बरामद, दस्सल इलाके में मिला 1 किलो आईडी, सेना ने किया निष्क्रिय। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकियों ने किया ग्रेनेड से हमला, हमले में एक व्यक्ति घायल, सुरक्षा बलों का सर्च। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं, आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ऑपरेशन जारी, भारतीय नौसेना में शामिल हुआ INS वागीर, 400 मीटर की गहराई तक जा सकता है INS वागीर। बटगाम में बर्फ हटाने का काम जारी, दूधपथरी में चारों तरफ फैली बर्फ, तापमान -8.6 डिग्री दर्ज। बर्फबारी के बाद औली में देखा खूबसूरत नजारा, बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं पर्यटक। कानपुर में बदला मौसम का मिजाज, तेज बारिश के साथ गिरे ओले, बारिश की वजह से शहर में बढ़ी ठिठुरन। मुंबई में बढ़ा वायु प्रदूषण का स्तर, मझगांव और चेंबूर समेत नवी मुंबई में AQI 300 के पार। नर्मदा जयंती महोत्सव की शुरुआत, 7 दिनों तक चलेगा आयोजन, आरती के दौरान मंच पर हुई आतिशबाजी। लखनऊ में G20 की तैयारी शुरू, लाइट और बलून से सजाए गए चौराहे। नोएडा के सेक्टर 98 में बदमाशों से मुठभेड़, 3 लुटेरे गिरफ्तार, ATM से जबरन निकलवाते थे पैसे, अगवा कर पैसे लूटने में थे शामिल, 3 तमंचे भी बरामद। राजस्थान के फतेहपुर में कार और ट्रक में भीषण टक्कर, हादसे में 5 लोगों की हुई मौत। सिरोही जिले में 2 ट्रक आपस में भिड़े, 1 ट्रक में लगी आग, चालक जिंदा जला, 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। जी न्यूज की खबर का दिखा असर, दुर्ग में बाइक पर रोमांस करने वाले कपल को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गाजियाबाद में एलिवेटेड रोड पर रील बनाती युवती का वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल, पुलिस ने काटा 17,000 का चालान। यूपी के उन्नाव में तेज रफ्तार डंपर ने सड़क किनारे खड़े लोगों को रौंदा, 2 लोगों की मौत, कई पहिए के नीचे आए, रेस्क्यू किया गया इनका। सीवान में संदिग्ध हालत में 3 लोगों की मौत, 10 लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, शराब पीने से तबियत बिगड़ने का आरोप। नोएडा के सेक्टर 58 और FNG रोड पर पुलिस की बदमाशों के साथ 2 अलग अलग जगह मुठभेड़, एनकाउंटर में 2 बदमाश घायल, 2 गिरफ्तार, लूटे गए मोबाइल और बाइक बरामद। कौशाम्बी में अवैध वसूली करते पुलिस वालों का वीडियो वायरल, SP ने लिया संज्ञान, दोनों पुलिसकर्मी लाइन हाजिर। बाराबंकी से एक चौंकाने वाला वीडियो आया सामने, बुजुर्ग मरीज को नहीं मिली एम्बुलेंस, ठेले पर लाद कर ले जाते दिखे परिवार वाले। अमरोहा में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर दी पति की हत्या की सुपारी, सड़क हादसा दिखाने के लिए मृतक के शरीर को गाड़ी से कुचला, पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। जयपुर में ऑटो में अस्पताल लाया गया शव, सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा है वायरल। बिहार के सुपौल में अवैध ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई, पुलिस ने 97 किलो ड्रग्स जब्त किए, ड्रग तस्कर गिरफ्तार। महाराष्ट्र के पनवेल में जंगल में मिले 2 शव, मामले की जांच में जुटी पुलिस। बिहार के सीवान में 2 लोगों की संदिग्ध परिस्थिति में मौत, जहरीली शराब पीने से मौत की आशंका। राजस्थान के कोटा में नकली नोट के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, नकली नोट छापने वाले 3 लोग गिरफ्तार। जयपुर में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई, 4 फैक्ट्रियों पर पुलिस की रेड, 10 लोगों को किया गिरफ्तार। राजस्थान के चित्तौड़ में नाले में मिला युवक का शव, मामले की जांच में जुटी पुलिस। राजस्थान के उदयपुर में बदमाशों ने पर्यटकों के साथ की मारपीट, पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। राजस्थान के सवाईमाधोपुर में सड़क के पास मिला युवक का शव, मामले की जांच में जुटी पुलिस। बिहार के मुजफ्फरपुर में 500 शराब की बोतलें जब्त, पिकअप से ले जा रहे थे लाखों की विदेशी शराब, 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी। बिहार के बेगूसराय में अवैध हथियारों का तस्कर गिरफ्तार, पुलिस ने 7 पिस्टल समेत 17 कारतूस जब्त किए। झांसी में एक शख्स ने धारदार हथियार से खुद पर किया वार, चोरी के आरोप में पूछताछ के लिए बुलाया गया था पुलिस स्टेशन। यूपी के अंबेडकर नगर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई, अतिक्रमण पर चलाया गया बुलडोजर। यूपी के उन्नाव में पेड़ से लटका मिला छात्रा का शव, पुलिस कर रही है मामले की जांच। बिहार के मुजफ्फरपुर में तालाब में डूबने से महिला की मौत, पैर फिसलने से तालाब में डूबी महिला। यूपी के जालौन में रिक्शा चालक से लूटपाट, CCTV के
आधार पर पुलिस कर रही है मामले की जांच। क्रिकेटर सूर्य कुमार और कुलदीप यादव ने महाकालेश्वर मंदिर में की पूजा, ऋषभ पंत के जल्द ठीक होने की प्रार्थना की। नेताजी की जयंती पर कोलकाता में आरएसएस का बड़ा कार्यक्रम, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी की शिरकत। कोलकाता में 5 दिन के दौरे पर है भागवत। भारतीय टीम हॉकी वर्ल्ड कप से बाहर, पेनल्टी शूटआउट में न्यूजीलैंड ने भारत को 5-4 से दी मात। उड़ीसा में हो रहे हैं ये मुकाबले। मोहम्मद शमी ने उमरान मलिक को दिया इंटरव्यू, उमरान से बोले तुम्हारी स्पीड खेलना आसान नहीं, थोड़ा लाइन लेंथ सुधारो। पैट कमिंस ने सचिन और विराट में से विराट को बताया बेहतर खिलाड़ी, साथी खिलाड़ी के सवाल पर दिया ये जवाब। करियर के आखिरी ग्रैंड स्लैम में हारी सानिया मिर्जा, ऑस्ट्रेलियन ओपन के महिला युगल में मिली हार। ऑस्ट्रेलिया में फिर हुआ मंदिर पर हमला, मेलबर्न के मंदिर पर लिखे हिंदू विरोधी नारे, ऑस्ट्रेलिया में तीसरी बार बनाया गया हिंदू मंदिर को निशाना। पेरू पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर दागे आंसू गैस के गोले, लोगों ने की 200 लोग की रिहाई की मांग, रेड के दौरान लिए गए थे ये लोग हिरासत में। ब्रसेल्स में ईरान के खिलाफ प्रदर्शन, ईरान में बेल्जियम के नागरिक को दी गई थी जेल की सजा, जासूसी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई कैद। लंदन में लूनर न्यू ईयर की धूम, कोरोना के बाद पहली बार मनाया गया जश्न, लंदन के वेस्ट एंड में हजारों की संख्या में जुटे लोग। ये जनाब फूल की खेती करके एक एकड़ में एक साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।